दोस्तों, अगर आप अंडे का बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, आपने सोचा है कोई ऐसा बिजनेस करेंगे जिसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और दिन प्रतिदिन जिसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, क्या होता है दोस्तों? वैसे तो नॉर्मली बहुत सारे लोग अंडे का सेवन करते हैं, डॉक्टर द्वारा भी बताया जाता है कि आपको अगर किसी चीज की सही प्रॉब्लम आती है तब भी आप अंडे का प्रयोग करते हैं। साथ में केक वगैरह अगर कोई बना रहा है उसमें भी यूज होता है, आपके क्षेत्र में अगर कोई बेकरी वगैरह है वहां पर भी अंडे का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से दिन प्रतिदिन दोस्तों अंडे का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जब अंडे का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लोग उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड भी बढ़ रही है। और दोस्तों जब डिमांड बढ़ रही है तो लोग इसका बिजनेस करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग अंडे का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। तो वो जानना चाहते हैं अंडे का बिजनेस कैसे शुरू करें, हम अंडा कहाँ से मंगाएं, किस प्रकार से हम इसकी स्टार्टिंग करें, हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और साथ में कितना मार्जिन मिलेगा, ये सभी चीजें हमें अगर जाननी है तो हम सोचते हैं कहां से मालूम करें। इसीलिए हम दोस्तों आपको ये वीडियो दे रहे हैं जिसमें आज आपको सारी चीजें बताएंगे, कहां से आप लाइए, कितना मार्जिन मिलेगा, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह, पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। तो दोस्तों अगर आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पर भी स्किप मत कीजिए क्योंकि कहीं कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस ना कर दें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट आपको कितना करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप अंडे का होलसेल बिजनेस करना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र में, नॉर्मली होलसेल, एक बड़ा होलसेल होता है उसमें तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, एक नॉर्मली अपने क्षेत्र में आप माल मंगा के और सप्लाई देना चाह रहे हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। दोस्तों अंडे में आप ज्यादा नहीं 50,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट लगा के बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है और मार्जिन भी अच्छा खासा मिलता है। लेकिन मार्जिन से पहले हम बात करेंगे कि आपको जरूरत किस किस चीज की पड़ेगी। आपने 50,000 रुपए का तो इंतजाम कर लिया और 50,000 रुपए का इंतजाम, तब इससे पहले भी आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो आपको एक ऐसी गोदाम लेनी पड़ेगी जहां पर आप माल स्टॉक कर सकें, एक दुकान या तो स्वयं के हो या भाड़े पे हो, आपको इंतजाम करना है। दूसरी, एक आपको टेम्पू या किसी ऐसी गाड़ी का इंतजाम, एक वाहन का इंतजाम करना पड़ेगा जिससे आप माल का आदान प्रदान कर सकें। भाई आप होलसेलर हैं, आप एक दुकानदार नहीं है, दुकानदार को क्या है, माल आ गया तो आपने रख लिया, वो दुकान से सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप होलसेलर बनेंगे तो आपको एक गाड़ी का भी इंतजाम करना पड़ेगा जिस पर आप माल लादकर आसपास क्षेत्र में आप दुकानों पे माल पहुंचा सकें, होटलों में पहुंचा सकें, रेस्टोरेंट में पहुंचा सकें, आपकी जो बेकरी वगैरह है वहां पर पहुंचा सकें। इसलिए आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है एक गाड़ी की और एक गोदाउन की जहां पर आप माल सुरक्षित रूप से रख सकें। और सबसे बड़ी बात, आप गोदाउन ऐसी जगह पर लेना जहां पर गाड़ी आ सके, क्योंकि जब माल आपका आएगा तो बड़ी गाड़ी में आएगा, तो बड़ी गाड़ी वहां तक बड़े आराम से पहुंच जाए, इस चीज का भी ख्याल रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आपने गोदाउन तो ली पर ऐसी जगह ली जहां पर गाड़ी नहीं पहुंच पा रही, यानी कि आपको फिर भी परेशानी आ सकती है। तो आपको करना क्या है, एक गोदाउन का इंतजाम करो और एक गाड़ी का इंतजाम करो, और उसके बाद 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए अलग से इंतजाम कर लो। अगर इतना आप सब कर लेंगे फिर आप अंडे का बिजनेस शुरू करो, देखिए आपको कितना बड़ा मार्जिन मिलता है। बहुत ही अच्छा बिजनेस है दोस्तों। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अंडे का बिजनेस कैसे करें, कहां से करें, बड़ी तकलीफ है। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, आप पूरी चेन कड़ी बना के चलेंगे, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। अक्सर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं कि वो आधी अधूरी जानकारी लेके बिजनेस में कूद पड़ते हैं। अगर उन्होंने माल मंगा लिया, होलसेल बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अब गाड़ी का इंतजाम नहीं है, फिर परेशान हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सचेत आपको रहना है। तो आपने तीन काम तो कर लिए, पैसे का इंतजाम कर लिया, गाड़ी का इंतजाम कर लिया, गोदाम का इंतजाम कर लिया, और चौथी चीज है दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन और ट्रेड का लाइसेंस, ये आपको लेना आवश्यक है क्योंकि जब बिजनेस करेंगे तो ये आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। परंतु शुरू में आप चाहें तो इनको 10-15 दिन के लिए आप स्किप कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि पहले हम देख ले माल मंगा के कि बिजनेस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, उसके बाद आप शुरू करना चाहें तो आप 10-15 दिन के लिए स्किप कर सकते हैं, उसके बाद करा लीजिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है कोई भी बिजनेस करने के लिए। कभी भी ऐसा काम मत करें कि आपको परेशानी आ जाए, क्योंकि होलसेल का काम करना चाह रहे हैं फिर तो आपको जरूरी से जरूर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और ट्रेड का लाइसेंस लेना। और इसके बाद दोस्तों, तो इसके बाद बात आती है कि अब आप माल तो आपने बिजनेस इंतजाम कर लिया, अब माल कहां से खरीदें, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो माल खरीदने के लिए आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि
अगर आपके पास कोई बेयर फार्मिंग है वहां से आप डायरेक्ट माल मंगा सकते हैं। अक्सर क्या होता है कि जहां पर बेयर फार्मिंग नहीं है, जहां पर मुर्गियां नहीं पाली जाती, अंडे का उत्पादन नहीं होता है, क्योंकि ये हर जगह तो नहीं होता है, कुछ ऐसी जगह चुनिंदा है जहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में अंडे का उत्पादन होता है, तो आप बड़ी होलसेल मंडी से माल मंगा सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली हो गया, अजमेर हो गया, पंजाब हो गया, हैदराबाद हो गया, ऐसी कई एक जगह हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा उत्पादन होता है इसका। रायपुर हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इस प्रकार की जगहों से आप डायरेक्ट माल मंगा सकते हैं होलसेल में। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप वहां पर एक बार विजिट जरूर करें। कभी भी दोस्तों हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, नेट के थ्रू नंबर ढूंढने की सबसे बड़ी परेशानी खड़ी कर लेते हैं। नेट के थ्रू हमने नंबर लिया और वहां से ऑर्डर दे दिया, वहां से रेट ले रहे हैं। परेशानी क्या है कि जब नेट्स आप फोन से बात करेंगे तो फोन पे कभी भी कोई एक्चुअल रेट आपको नहीं बताता। जो रेट आपको चाहिए उसके लिए आपको मुलाकात करनी पड़ती है। तो आप मुलाकात कीजिए, वहां जाइए, दो चार जगह जाइए, वहां मिलिए, बड़े बड़े होलसेलरों से मिलिए और वहां से रेट लीजिए और वहां से फुल गाड़ी अपने यहां मंगा लीजिए। आपने फुल गाड़ी मंगा ली और फिर अपने क्षेत्र में जो भी छोटी छोटी दुकानदार हैं उनको आप माल सप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि छोटी छोटी दुकानें हो गई, रेहड़ी वाले हो गए, छोटे रेस्टोरेंट, बड़े रेस्टोरेंट, इन सभी जगहों पर आप सप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप दोस्तों आप मंडी में पहुंच गए, मंडी से आपने माल ले लिया, अब लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे अंडे का रेट क्या पड़ेगा। दोस्तों अंडे का रेट हमेशा अप और डाउन होता रहता है, कभी आपको मिल जाएगा 3 रुपए, 3.5 रुपए, 4 रुपए, ये समथिंग रेट है, 3 रुपए, 3.5 रुपए, 4 रुपए के समथिंग बना रहता है, कभी थोड़ा अप होता है, कभी डाउन होता है, ये बना रहता है। लेकिन इसमें आप पर पीस 1 रुपए का मार्जिन होलसेल में तो आप ले ही सकते हैं, नहीं तो आप 1.5 रुपए तक का मार्जिन आप बड़े आराम से ले लेंगे। यानी कि दिन में आप अगर 4-5 हजार, 4-5 हजार अंडे भी सेल कर रहे हो, 4-5 हजार रुपए की डेली आपकी आमदनी हो जाएगी। दोस्तों बस इसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी आपके पास होगी तो गाड़ी आपको दौड़ानी ही है। 5 हजार, 7 हजार, 10 हजार अंडे पर डे आप सेल करने का टारगेट जब रखेंगे तब आपका बिजनेस सुचारू रूप से चलेगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, मार्जिन जो होता है वो हमारी मेहनत पर निर्भर करता है कि आप डेली कितना कमा रहे हैं। हम आपको बोल रहे कि आप प्रतिदिन 10 हजार, 20 हजार कमा सकते हैं, लेकिन आप अंडे प्रतिदिन 2 हजार बेच रहे हैं तो कैसे आप 5 हजार, 10 हजार, 20 हजार कमा लेंगे। ये आपकी मेहनत पर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्षेत्र में कहाँ कहाँ माल पहुंचा रहे हैं, किस किस के यहाँ आप माल दे रहे हैं, कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रहे, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट होगा दोस्तों, 100% होगा। अब बात करते हैं सबसे लास्ट फैक्टर, क्या इसमें रिस्क है? जी हाँ दोस्तों, हर बिजनेस की तरह इसमें भी रिस्क है, ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जिसमें रिस्क हो ना। हाँ, किसी में बहुत ज्यादा रिस्क होता है लेकिन उसमें बहुत ज्यादा कमाई होती है, जिसमें रिस्क कम उसमें कमाई कम। इसमें भी रिस्क है, कैसा, जब माल आ रहा है तो कुछ अंडे टूट जाते हैं, वो नुकसान है। दूसरा, 15-20 दिन से ज्यादा, 1 महीना अगर से ज्यादा अगर माल आपके पास रुक रहा है तो वो खराब भी हो सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो ये थोड़े से रिस्क फैक्टर है, यानी कि जो माल आपको आ रहा है वो जल्दी से जल्दी निकालना है, आपको एक चेन कड़ी बनानी है कि इधर से माल आए इधर से बिक जाए, इधर से आए इधर से बिक जाए, भले ही मार्जिन थोड़ा कम करना पड़े, मार्जिन कम करके लेकिन माल बिकता रहे, आता रहे, बिकता रहे, ये अगर कड़ी आप अपना के रखेंगे तो आपका बेनिफिट भी होगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा, ये याद रखिए। क्योंकि बिजनेस में यहीं पर समस्या आ जाती है कि माल आया और रुक गया। अगर माल रुक गया दो नुकसान, एक तो आपका माल सेल नहीं हो रहा है, दूसरी माल आ नहीं रहा है, माल जाम है, माल खराब भी हो सकता है। दूसरा, जो जितने दिन माल आपके पास रखा रहा उतने दिन की आमदनी आपके पास रुक गई। अगर आपने आज 20 हजार अंडे मंगाए और एक ही दिन में आपने निकाल दिए 50 पैसे के मार्जिन पर, तो आप दोस्तों सोचिए कि आपने 10 हजार रुपए तो कमा लिए। लेकिन अगर आपने 20 हजार अंडे मंगाए और आपने 10 दिन के लिए रोक दिए, भले ही आप 1 रुपया मार्जिन ले रहे हैं तो मार्जिन आपका भले ही ज्यादा हो गया लेकिन प्रॉफिट कम हो गई। क्यों? 10 दिन तक वो माल पड़ा रहा आपके पास। पर डे का अगर फ्लो बना लेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा दोस्तों। तो दोस्तों यह थी मेरी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, पसंद ना आई हो डिसलाइक कीजिए, पर कीजिए जरूर दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।